जय श्री कृष्ण दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करेंगे गीता के 8वें अध्याय के बारे में और इसमें अक्षर ब्रह्म योग की बात की गई है। अब इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं और वो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है, और भगवान श्री कृष्ण उन 7 प्रश्न के जवाब देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कि अभी तक आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर बुधवार को भगवद गीता की एक सीरीज हम लेकर आते हैं और आज हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पहला प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, और भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं कि जो कभी भी नष्ट नहीं होता उसे ब्रह्म कहते हैं। न ये घटता है न ये बढ़ता है, हमेशा एक जैसा रहता है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। दूसरा प्रश्न, अध्यात्म क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वयं को जानने की कोशिश करना ही अध्यात्म है। तीसरा प्रश्न, कर्म क्या है? पहले क्या होता था और बाद में क्या होगा, इन दोनों भावनाओं को अलग करके वर्तमान में यानी इस समय जो भी कर्तव्य है उसे करना ही कर्म है। चौथा सवाल अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अधिभूत क्या है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भी चीजें तू देखता है जो पैदा होती है और नष्ट हो जाती हैं, वो सब अधिभूत है। पांचवा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि अधिदेव क्या है? जितनी भी चीजें तू देखता है उन सभी चीजों का प्राण तत्व अधिदेव है, यानी मैं अधिदेव हूं, इन सभी चीजों का मैं अधिदेव हूं। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन छठा सवाल पूछते हैं कि अधियज्ञ क्या होता है? भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी चीजें सभी क्रियाएं मैं करता हूं और यज्ञ की भावना से करता हूं, यानी मैं इनसे लाभ या हानि की कोई अपेक्षा नहीं करता हूं, इस भावना के साथ जो भी करता हूं उसे अधियज्ञ कहते हैं। सातवां और आखिरी सवाल जो अर्जुन का है वो यह है कि मृत्यु के समय चित्त को कैसे स्थिर किया जाए। अब यहां पर भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मरते समय जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे वही भाव प्राप्त होता है, और अंतिम भावना जो होती है ये वही भावना होती है जो जीवन भर उसने जैसी भावना रखी वही उसकी अंतिम भावना होती है, और उसी भावना के हिसाब से उसे वही भाव प्राप्त होता है। अब इस बात को जरा समझ लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की जीवन भर बुरी भावना रही है तो उसे एक बुरी योनि मिलेगी, और अगर किसी व्यक्ति ने अच्छी भावना रखी है, वो जीवन भर अच्छे कर्म किए हों, शुभ कर्म किए हों, तो उसे अच्छी योनि मिलेगी। इसलिए मरते समय जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है और शरीर त्यागता है वो मेरे स्वरूप में ही मिल जाता है। पर क्योंकि मरते समय भी व्यक्ति की वही भावनाएं होती हैं जो जीवन भर भावनाएं रही हों, तो इसलिए है अर्जुन तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अब जरा इस चीज को समझ लीजिए कि भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब युद्ध का मतलब यहाँ पर युद्ध नहीं है, यहाँ युद्ध से मतलब कर्तव्य से है। अर्जुन जो कि क्षत्रिय है और क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो युद्ध करना है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग धर्म होते हैं और उसी के हिसाब से उनके अलग अलग कर्तव्य होते हैं, यानी जो तुम्हारा धर्म है जो तुम्हारा कर्तव्य है उसी के हिसाब से कर्म करो और मेरा स्मरण करो। क्योंकि जो भी मनुष्य अपने चित्त को भटकने नहीं देता और पूरी एकाग्रता के साथ लगातार अभ्यास करता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। इस चीज को फिर से समझते हैं कि बिना ध्यान भटकाए पूरी एकाग्रता के साथ लगातार अभ्यास करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है।
अब इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, मानव योनि का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो है मोक्ष पाना। इसलिए जो भी व्यक्ति बिना अपना ध्यान भटकाए, पूरी एकाग्रता के साथ स्वयं को जानने का जब अभ्यास करता है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है। और इसीलिए है अर्जुन अपनी सभी इंद्रियों को उस चेतन से हटाकर आत्म में यानी खुद में एकाग्र होकर ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए जो भी व्यक्ति देह त्यागता है वो परम गति को प्राप्त होता है। और यही अक्षर ब्रह्म योग का सार है। इसी के साथ हमारा 8वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। अगले बुधवार फिर मिलेंगे 9वें अध्याय के साथ। हर बुधवार हमारी भगवद गीता का सीरीज आती है। पिछले हम 7 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने बात करी 8वें अध्याय के बारे में। अगले सप्ताह हम बात करेंगे 9वें अध्याय के बारे में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।